गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार और इसकी डिटेल रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ा ट्रेडिशनल वे में किया है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, तो ये मैंने दिखाया हुआ प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे ना गाइस, तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। साल, डेढ़ साल, दो साल खेलो, जब तक अचार खत्म नहीं होता है तब तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं रेसिपी, और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा आम 1 किलो, और इसको अच्छे से वॉश करके पूरी तरह से ड्राई करके मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। ध्यान रखिए कि आपकी जो कैरियाँ हैं बिल्कुल ड्राई हो और थोड़ा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ही जल्दी आपके अचार में फंगस लग जाएगा। अब आप क्या करें, जो आपने कैरी कट की हुई है इसको लगभग 6-8 घंटे के लिए तेज़ धूप में, बिल्कुल तेज़ धूप में आप सूखने के लिए डाल दीजिए। इससे जो हमारी कैरियों में मॉइस्चर है पूरी तरीके से सूख जाएगा और अचार बहुत ज़्यादा देर तक आपका टिका रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैरी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच भर के नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रात भर के लिए, ताकि जो भी इसमें बचा हुआ मॉइस्चर अगर होगा तो वो पूरा सूख जाएगा और नमक और हल्दी अच्छे से यहाँ पे हमारी कैरियों में इसकी टेस्ट आ जाएगी। इसको एक कॉटन के कपड़े से ढक के रात भर के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये देखिए नमक और हल्दी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब कर लेते हैं इसमें डालने के लिए मसाला तैयार। तो मैंने इसी स्पून से मेजर किया है, 1 टेबल स्पून का मेजरमेंट है और आप इसी से हम लोग अब मसाले मेजर करके लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। अब लेते हैं राई 2 चम्मच, मोटी वाली राई आप लेट प्रेफरेबली यहाँ पे, और इसको मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। बहुत ही ईजिली ये सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। अब हम लेंगे मेथी दाना 1 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ लेंगे। अब ऐड कीजिए 4 से 5 ड्राई रेड चिलीज़, अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें। और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं रेडी। अब इसको कर लेंगे हम लोग ड्राई रोस्ट। इसके लिए आप गैस ऑन करें, एक पैन रखें, और आपको जैसे ही पैन गर्म होता है गैस को ऑफ करना है और उसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। याद रहे हम यहाँ पर पूरी तरह से मसालों को रोस्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे ही आपका पैन गरम हो सारे मसाले ऐड करें और गैस ऑफ करके मसालों को ऐसे ही छोड़ दें। पैन हो गया है गरम, गैस ऑफ करने के बाद में हम यहाँ पे हमारे मसालों को कर देंगे ऐड और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मसाले थोड़े से गरम हैं, मतलब आप हाथ से उसे छू पाए आराम से, तभी हमको उसको मिक्सी में डाल करके उसको ग्राइंड करना है। तो चलिए उसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और मसाला बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अचार में थोड़ा दरदरा मसाला ही बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले हमारे हो गए हैं रेडी, कैरियाँ हमारी रेडी है। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं तेल गरम। तेल यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है मैंने 1.5 कप। 1 kg में आप कम से कम 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पे तेल हमें कम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अचार में तेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया है गरम और मैंने ठंडा रख होने के लिए उसे छोड़ दिया है। एक पैन लें, उसमें 1 चम्मच हींग डालें, हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो ना डालें। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है यहाँ पर। अब इसमें ऐड करें जो हमने मसाला भी मिक्सी में से निकाला है, वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छा सा एक मिक्स दीजिए और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मस्टर्ड ऑयल पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद। एंड अभी आपको जो ऑयल है इसको बैचेस में ऐड करना है, एक साथ सारा ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हम लोग इसको बैचेस में ऐड करेंगे। सो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे हम लोग अपनी कैरियाँ। ओके, तो ये गई कैरियाँ मसाले के अंदर, और इसको एक अच्छे से स्टर कीजिए, स्पैचुला की मदद से कीजिए।
अब आप इसको अच्छे से तब तक मिक्स करें जब तक के केरियों पे एक अच्छा सा कोट चढ़ जाए मसाले का। ध्यान रखिए जो आप बर्तन और चम्मच यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो। अगर थोड़ा भी पानी इसमें लगेगा तो बहुत ही जल्दी आपके अचार में फंगस लग जाएगा। सो इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान देना है। आई नो मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर रही हूँ लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आप कर लेते हैं इसमें तेल ऐड। ओके, सो बढ़िया सा अचार हमारा है बिल्कुल तैयार। एक्चुअली आप इसको अभी भी खा सकते हो पर यहाँ पे सब्र का फल थोड़ा खट्टा और बहुत टेस्टी मिलेगा, तो एक फाइनल स्टेप कर लें। ग्लास का जार लेंगे और हम इस अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 1 kg का मैंने जार लिया है ताकि जो हमारा 1 kg का अचार हो इसमें फिट आ जाए। और इसको कर लेंगे हम ट्रांसफ़र और जो हमारा ऑयल बचा हुआ है उसको भी हम इसमें अभी ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए परफेक्ट, अभी जो ऑयल बचा हुआ था ये सारा का सारा ऑयल आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो गाइस अगर आप सेम ऐसे प्रोसेस फॉलो करके अचार बनाओगे ना तो ये बहुत दिन तक चलेगा, साल डेढ़ साल दो साल आराम से चलेगा। और अब आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा ले और इस जार को ढक करके धूप में 2 दिन के लिए आप रख दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अचार। सुपर, सारे जो स्पाइसेस सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब आप इसको कीजिए एंजॉय।